क्लास 10th को पास करने के बाद बहुत सारे युवाओं का सपना होता है कि उन्हें एक वर्दी वाली रॉयल जॉब, रिस्पेक्टेड जॉब मिले। आज हम बात करेंगे आपके लिए एक ऐसे ही अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF। अगर आप रेलवे के अंदर एक पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, रेलवे के अंदर वर्दी वाली जॉब लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपको देती है RPF फोर्स को ज्वाइन करने का। RPF फोर्स के बारे में आपको बता दूं कि 1957 में इस फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। सबसे पहले जान ले RPF का काम है रेलवे की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी एसेट्स है, उनको प्रोटेक्ट करना, रेलवे के अंदर सिक्योरिटी को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को एनहांस करना। ऐसे में बहुत सारे युवा रेलवे की इस वैकेंसी को टारगेट करते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे आप 10वीं पास होने के बाद RPF के अंदर एक कांस्टेबल बने, एक गवर्नमेंट जॉब को, एक प्रेस्टीजियस जॉब को आप सिक्योर करें। सबसे पहले जान लें इस जॉब में जाने के लिए दोनों ही कैंडिडेट्स, चाहे मेल और फीमेल, दोनों ही एलिजिबल है। अगर आपकी एज 18 साल है, मिनिमम एज आपकी 18 इयर्स है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि इसके अंदर 4 चरण होते हैं जिससे निकल करके आप अपने ज्वाइनिंग तक पहुंचते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन, दूसरा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथा आपका मेडिकल, और फाइनली आप RPF कांस्टेबल को ज्वाइन करने के लिए अपनी ट्रेनिंग पर जाते हैं। सबसे पहले जान लें कि अगर आप RPF कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी एज लिमिट, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 18 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 18 से 28 साल के बीच में आप होने चाहिए, और अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको 18 से 30 साल तक ये मौका मिलता है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएं। बात करें फिजिकल एलिजिबिलिटी की, जैसा कि आपको पता है कि ये पुलिस वाली जॉब है तो यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, आप जर्नल, OBC, EWS कैटेगरी से आते हैं, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर जर्नल, OBC, EWS के लिए। अगर आप SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो मेल के अंदर यहाँ पर आपकी जो चेस्ट रिक्वायरमेंट है जर्नल, OBC, EWS के लिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन। SC ST के लिए 76 से लेकर के 81 आपकी यहाँ पर चेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करेंगे कि आप यहाँ पर कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, क्या स्टेजेस ऑफ एग्जाम होते हैं। सबसे पहले जान लें जो पहला स्टेज इसके अंदर है वह है आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जर्नल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए जो आपकी फीस है वो यहाँ पर 500 रुपीज है, और फीमेल कैंडिडेट्स और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज आपकी अप्लीकेशन फीस है, जो कि पूरी तरह से आपको रिफंडेबल हो जाएगी जब आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाएंगे। और अगर आपने 500 फीस दी है तो आपकी 400 अप्लीकेशन फीस जो होगी वो आपके बैंक अकाउंट में रेलवे के द्वारा रिफंड की जाएगी जब आप CBT एग्जामिनेशन को दे लेंगे। सबसे पहले जान लें CBT एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, वो पहली बात जान लें कि पहला पूरा पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। इसमें आपको 120 क्वेश्चंस करने के लिए दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपको टाइम 90 मिनट्स मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। जो आपके अंदर सब्जेक्ट्स होंगे वो मैथ, रीजनिंग और GS के सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, और यहाँ पर GS के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेज की, तो आपकी PET और PST यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये आपका टेस्ट होगा, जिसके अंदर अगर आप मेल हैं तो आप मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी, 14 फीट लॉन्ग जंप आपको करनी होगी, और 4 फीट हाई जंप आपको करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो यहाँ पर ये चीजें अलग हो जाएंगी। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट 3 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी, और अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की तो लॉन्ग जंप आपको 9 फीट करनी होगी, और हाई जंप की बात करें तो हाई जंप आपको 3 फीट की करनी होगी। यही फिजिकल रिक्वायरमेंट
फीमेल से यहाँ पर मांगी जाती है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग पर एज एन आरपीएफ कांस्टेबल आपको भेजा जाता है। सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 26,200 से लेकर के 32,030 रुपीज तक आपकी यहाँ पर सैलरी होने वाली है। बाकी आपको जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो भी आपको अलाउंसेस सब चीजें मिलती है, वह सारी फैसिलिटी आपको इस जॉब के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आप 10th पास कैंडिडेट हैं, आप इसकी एज क्राइटेरिया में आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी यहां पर होने वाली है। इस फॉर्म को आप जरूर फिल करिए और अपने सपने को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करने के सपने को आप पूरा कर सकते हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।